शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 15 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स पे टेस्ट दिया है और वो मैथमेटिक्स टेस्ट टोटल 25 मार्क्स का था, तो उसमें से ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। पहले स्टूडेंट का मार्क्स है 19, दूसरे का 25, फिर 23, 29, फिर 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ऐसे 15 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है इस डेटा का। फिर बताना है आर दे सेम। क्या सेम मतलब? मीन्स पूछ रहा है कि ये मोड और मीडियन जब आप इसका आंसर निकाल लोगे तो फिर आपको देखना है कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये आपको बताना है लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा है। जब ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके लिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम आंसर देंगे। तो चलिए सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है ये डिसऑर्डर तरीके से लिखी है, मींस कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखी नहीं है। सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलिए असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी वैल्यू 9, 5 है यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू। 5 कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे वन डिजिट का नंबर सिर्फ 9 है, तो 9 यहाँ पे इससे बड़ा। फिर उसके बाद 9 के बाद 10 दिखा, 9 हो गया, इस पर टिक कर लीजिए। जो जो वैल्यू होती जाए उस पर टिक लगाते चलिए, जिससे कि आपको पता रहे कि ये वैल्यू आप ले चुके हो। फिर उसके बाद 10 है, और 10 बस एक ही बार है, 10 भी हो गया, टिक कर दीजिए। 10 के बाद फिर क्या है यहाँ पे? 10 के बाद 12 दिख रहा है, 12 लिख दीजिए, 12 को टिक कर दीजिए। देन उसके बाद 12 के बाद यहाँ पे आ रहा है, ये है 16 और यहाँ पे है 15, तो सबसे पहले 15 आएगा, 15 को टिक। देन उसके बाद 16 को टिक। देन उसके बाद 19 लिखेंगे, 19 को टिक। देन आ गया 20 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम 20 आया है, इसको सबको टिक कर देते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स 20 यहां लिखेंगे, 20, 20, 20, 4 टाइम्स 20। देन उसके बाद 23 यहां पे आया है ओनली 1 टाइम्स, तो लिखेंगे 23। देन उसके बाद 24 1 टाइम आया है ओनली, तो 1 टाइम लिखेंगे 24। देन उसके बाद 25 1 टाइम एंड 2 टाइम, लिख दीजिए 2 टाइम्स 25। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट भी कर लीजिए कि क्या 15 ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लिख ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, यहां पे भी 15 ऑब्जर्वेशन थी और यहां पे भी 15 है। अब चलिए इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में यहां क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। यहां पे होता है सेकंड कॉलम में टैली मार्क्स, एंड देन यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर इसी को आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, तो मैं दोनों लिख देती हूं। अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब इसको टेबल के फॉर्म में इसे बना लेना है। सबसे पहला मार्क यहां पे लिखेंगे ये 5 मार्क्स। कितनी बार आया है? इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, देखिए सिर्फ 1 टाइम्स 5 है, टैली मार्क बना दीजिए 1। 9 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो टैली मार्क 1। 10 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो 1। 12 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स आया है, तो 1। 15 कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स, 1 लाइन। देन 16 कितने टाइम्स आया है? 16, 1 टाइम्स, ओके, टैली मार्क 1। देन 19
19 कितनी टाइम्स आया है? सिर्फ वन टाइम्स, तो यहाँ पे वन। 24 टाइम्स आया है तो यहाँ लिखिए 20 कितने टाइम्स? फोर टाइम्स। यहाँ पे फोर लाइन, टैली मार्क आप लोग बनाना जानते हो, यहाँ फोर लाइन हो जाएगा। देन 23 सिर्फ वन टाइम्स आया है तो यहाँ पे वन। 24 भी सिर्फ वन टाइम्स आया है, यहाँ पे वन लिखिए और यहाँ पे जो है टैली मार्क वन बनाइए। फिर 25 टू टाइम्स, यहाँ लिखे टू टाइम्स और यहाँ पे टू लाइन। सारा हो गया, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 15 थे, ये भी 15 होना चाहिए, चेक कर लीजिए। 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका मतलब सब करेक्ट है। अब आपको निकालना है मोड, चलिए मोड निकालते हैं। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा हो, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया हो वही मोड होगा, ठीक है। मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है, ये फोर टाइम्स आया है। क्या फोर टाइम्स आया है? देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी फोर है, मीन्स ये जो फोर के सामने वाला नंबर है दैट इज 20 यहाँ पे फोर टाइम्स आया है, तो मोड क्या हो जाएगा? मोड इसका हो जाएगा 20 इज योर आंसर। अब आपको क्या बताना है? सेकंड, मीडियन। चलिए मीडियन बताते हैं। और मीडियन किसके लिए बताना है? इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन बताना है। और ये ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है? तो यहां पे 15 ऑब्जर्वेशन थी, 15 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 15 दैट इज ऑड। ऑड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मीडियन का, क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू होता है n+1/2 अर्थ टर्म। चलिए मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम m लिखेंगे, ठीक है। अब n कितना है? n यहाँ पे है 15, तो 15+1/2 अर्थ टर्म इक्वल्स टू 15 16 16 बाई 2 कितना आता है? 2 8 16, तो 8 आएगा, एट्थ टर्म। अब यहाँ पे ये जो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हो, यहाँ पे आप देखिए एट्थ टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मीडियन निकालते समय सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहां से हम काउंट करेंगे कि एट टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा? 20 इज द आंसर। अब आपको ये भी बताना है कि आर दे सेम, क्या ये जो मोड और मीडियन आए हैं क्या इसका आंसर सेम है? तो आप क्या लिखेंगे? यस दे आर सेम, या फिर आप सीधे लिखिए मोड एंड मीडियन आर सेम, मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम। यहां पे जो हमने मोड की वैल्यू फाइंड आउट की और जो मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट की, वो दोनों सेम आ रही है, दैट इज 20। मोड भी 20, मीडियन भी 20, ओके। अब ये देखो मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल ली, अगर आपको बिना फॉर्मूले के निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थी, तो 15 था, इसका मतलब 7 इस साइड से निकाल दीजिए, 7 इस साइड से निकाल दीजिए, जो बीच की वैल्यू है वही आपका मीडियन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से छोड़ दीजिए, बीच की वैल्यू क्या आई? 20, तो 20 ही आपका मीडियन है। ओके स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।